निर्भया केस के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की तारीख मुकर्रर हो गई है। वही दोषियों की कोशिश इस बात की है कि उन्हें मिलने वाली फांसी की सजा में और देरी होती जाए। इस कड़ी में दोषियों की ओर से एक और कोशिश की जा रही है क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए, जिसे दोषी विनय कुमार शर्मा की ओर से आज दाखिल किया गया। विनय कुमार शर्मा की ओर से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है। उधर निर्भया की मां ने मांग की है कि उसे दोषियों की फांसी देखने की इजाजत मिले। उनका कहना है कि जब आरोपियों को फांसी पर लटकाया जाएगा तब उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। विनय के वकील एपी सिंह ने कहा कि हमने 2017 में पवन गुप्ता की ओर से दायर एसएलपी की प्रमाणित प्रति के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर की है। उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पवन के वकील नहीं थे, जबकि एक अन्य दोषी अक्षय के लिए वकील ने कोर्ट की ओर से रिव्यू पिटीशन खारिज होने के आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन दायर किया है। निर्भया मामले में एक बार फिर से कह सकते हैं कि मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दोषी जो हैं विनय, उसकी ओर से क्यूरेटिव पिटीशन दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में। एपी सर, एपी सिंह सर, अगर आप कहें कि किस तरीके से देखें इसको, क्योंकि आपने एक तरह से फिर से जब सब कुछ लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने उसको कन्फर्म किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्फर्म किया, अब क्यूरेटिव पिटीशन। देखो, जो भी हुआ वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के आधार पर हुआ। हमने इसमें जो 2017 के बाद के फैक्ट हैं उन फैक्ट के आधार पर में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है, और देश की सबसे बड़ी अदालत के 5 सीनियर जस्टिस इस पर फैसला करेंगे, इसकी सुनवाई करेंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड होगा। सर, इसमें अब आगे इसमें क्या नया क्या है जो इसमें क्यूरेटिव आपने दिए? इसमें वो केसों का हवाला है जो 17 से 2019 तक 17 केस जिनमें माइनर 8 साल, 9 साल, 4 साल बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, उसकी हत्या हुई और उनमें फांसी की सजा हाई कोर्ट ने तक की, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने उन फांसी के केसों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कमिट किया गया। सब तरह से हत्यारा दोषी मान चुके हैं, इसको बचाने की आखिरी साजिश? दोषी आप मान चुके हैं, मीडिया बिल्कुल सही, मीडिया मान चुकी है, पब्लिक मान चुकी है, राजनेता मान चुके हैं, चुनाव के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो लीगल ऑप्शन है क्यूरेटिव पिटीशन का, वो हमने फाइल किया, उसी आधार पर आगे। इसमें देरी नहीं हुई क्यूरेटिव पिटीशन? बिल्कुल नहीं देरी हुई। अभी 18 नवंबर लास्ट वर्किंग डे था, 18 नवंबर 2019 को अक्षय कुमार की रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, रिव्यू के बाद ही तो क्यूरेटिव का प्रोसेस चलेगा। अब क्यूरेटिव चल रहा है, अन्य आरोपियों की ओर से भी, दोषियों की ओर से भी आप लोग क्यूरेटिव? हाँ, हमने डॉक्यूमेंट पवन कुमार गुप्ता की से एस्ट्रेडे में कोर्ट से मांगे हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है सेंट्रल जेल तिहाड़ से, वो हमें डॉक्यूमेंट देने में देरी कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है वहाँ, वो हमें दें, जैसे दें हम पवन कुमार गुप्ता क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे, अक्षय कुमार का ऑर्डर मिलते ही हम अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। क्या तारीख को टालने का प्रयास है? आप बराबर क्यों कह रहे हैं, आप इस बात को क्यों करें? क्या न्याय दिलाने का प्रयास नहीं है? क्या भारत के संविधान की गरिमा बचाए रखने का प्रयास नहीं है? क्या सीआरपी आईपीसी का सम्मान करने का प्रयास नहीं है? क्या मीडिया और पॉलिटिक्स और पब्लिक क्या चाहते हैं, उनके हिसाब से ट्रायल हो, उन्हीं के हिसाब से जजमेंट हो, उन्हीं के हिसाब से फैसला हो, ये मोदी जी के शासनकाल में नहीं हो पाएगा। ये हैं एपी सिंह सर, जो विनय की ओर से जिन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और एक बार फिर से कह रहे हैं कि जो दो अन्य आरोपी जो इसमें दोषी घोषित हो चुके हैं उनकी ओर से भी वो क्यूरेटिव पिटीशन जल्दी ही दायर करेंगे। सहयोगी मुकेश के साथ निजाम कटालिया, फर्स्ट इंडिया, दिल्ली।